अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल की जानिब से ये बयान अभी ज़रूर सुने होंगे कि किस तरह हमारी इकॉनमी राइट ट्रैक पर आ गई है, हमारे करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ गया है, हमारा डेफिसिट कम हो रहा है, हमारी इम्पोर्ट्स कम हो गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। लेकिन इकॉनमी ओवरऑल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, ये मेरे जैसे आम इंसान की समझ से बाहर है। ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ हमने समझने के लिए रब्ता किया कैसर बंगाली साहब से। कैसर बंगाली साहब एक मशहूर इकॉनमिस्ट हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इनका किरदार रहा है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर इनकी तनकीद भी बहुत रही है। देखते हैं हमारे सवालात के वो क्या जवाब देते हैं। सर, आजकल रिपोर्ट्स के मुताबिक हम करंट अकाउंट डेफिसिट से करंट अकाउंट सरप्लस पे आ गए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इस पर काफ़ी हमें तारीफ भी सुनने को मिल रही है करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि ये वो नहीं है जो दिखने में आ रहा। इनफैक्ट इसी पर आपकी एक ट्वीट भी थी रिसेंट कि जिसमें आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर डज नॉट नो व्हाट ही इज़ ब्रैगिंग अबाउट। ये काफ़ी हार्ड स्टांस था सर, इस स्टांस की वजह मैं जान सकता हूँ। बात यह है कि इतनी बेरोज़गारी है, इतनी गुर्बत है, उनकी जो ज़िंदगी में हार्डशिप है उसके बाद हार्ड स्टैंड न लेना मैं समझता हूँ जुर्म होगा। आदाद व शुमार बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हो रहा है, तो ये जो पैसे आ रहे हैं फिर किस चीज़ के आ रहे हैं? एक्सपोर्ट के अलावा तो कोई पैसे आ नहीं सकते। या तो जो रेमिटेंस हैं पाकिस्तानियों के वो डबल हो गए, वो भी नहीं हुआ। पैसा अमेरिका से उठा के यहाँ ला के रखना, ज़्यादा आमदनी कमाना और मुनाफा वापस भेज देना, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान को तो उस वक्त फ़ायदा है जब अगर बाहर के पैसे आए और यहाँ पर कारखाने लगे या कोई माशी असासे बने, पावर स्टेशन, डैम, पोर्ट, कनाल, ये चीज़ें बने, असासे बने। ये डॉलर कहाँ से आए? ये तो कर्ज़े के डॉलर है। हुकूमत कर्ज़ा ले रही है और कर्ज़े के डॉलर निजी शोभा बाहर इन्वेस्ट कर रही है, ये तो मजाक नहीं है तो क्या है? लेकिन हम लोग इकॉनमी को कंटिन्यूएशन के लिए, परपेचुएशन के लिए उन लोगों ने मदद भी तो की, तो आपके मुताबिक दूसरा अल्टरनेटिव क्या था उस ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी, जबकि आप कह रहे हैं हिस्ट्री रिपीट कर रही है? 2003 तक हर 100 डॉलर के एक्सपोर्ट पे हम 125 डॉलर तकरीबन इम्पोर्ट करते थे, यानी 25% खसारा था। कुछ रेमिटेंसेस थे, कुछ कैपिटल इनकम थी, कुछ थोड़े बहुत कर्ज़े ले लेते थे, काम चलता रहता था। अब हर 100 डॉलर के एक्सपोर्ट पे 230 डॉलर का इम्पोर्ट है। जो 25% का खसारा था वो 125-130% खसारा हो गया। ये ना तो रेमिटेंस कवर कर सकता है, ना कोई और कैपिटल इन्फ्लोस कवर कर सकता है। हमने मजबूरन कर्ज़े लेने हैं। यहाँ करीब में ही मेरे घर के पास एक सुपर मार्केट है, वहाँ एक सेक्शन अलग है कैट कुत्तों और बिल्ली के खाने का, उसमें कुत्तों और बिल्ली का शैम्पू भी है, यानी ये भी हम इम्पोर्ट करते हैं। एक तिहाई बच्चे पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन का शिकार है और यहाँ कुत्तों और बिल्ली के खाने इम्पोर्ट होते हैं कर्ज़ों के डॉलर से। तो पहला मेरा मुतालबा ये है कि जो गैर ज़रूरी इम्पोर्ट से उस पर बैन लगा दें, उस पर टैक्स ड्यूटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बैन लगा दें, बिल्कुल बंद करें, आ ही नहीं सकता। खाने पीने की कोई चीज़ नहीं आ सकती, सेब हमें न्यूजीलैंड से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, चॉकलेट हमें स्विट्ज़रलैंड से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर के 5% लोग शायद इसे ख़रीदते होंगे, 95% लोग जो है वो तो रोज़ का 3 दफ़ा का खाना भी नहीं खा सकते। दूसरा ये है कि 17% GST पे इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती, इसको नीचे ले आए 5% पे, ताकि कारखाने काम करें, कारखाने लगे, नौकरियां भी मिलेगी और एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस भी हम जनरेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये दोनों चीज़ों से रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो उसको कैसे पूरा करना है? वो हमें अखराजात कम करने पड़ेंगे, गैर तरक्याती अखराजात। ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात कर रहे हो? जी, ऑस्टेरिटी मेजर में भैंस बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास 42 डिविजन्स हैं मिनिस्ट्रीज़ के इस्लामाबाद में, उसमें एक है डिवीज़न फॉर नेशनल हारमोनी, एक है नेशनल रेगुलेशन, एक है नेशनल हेरिटेज। मतलब मुझे कोई बता दें कि इसकी क्या ज़रूरत है और ये क्या काम करती है। पोस्ट ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा होता था, वो अलग मिनिस्ट्री बना दी आपने। पोस्ट ऑफिस के पहले एक डायरेक्टर जनरल और एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते थे, अब एक डायरेक्टर जनरल और 9 एडिशनल डायरेक्टर जनरल है। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने 20 साल में कोई लेटर पोस्ट किया हो और आपने भी नहीं किया होगा।
تو میں جب غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنے کی بات کرتا ہوں تو میں ڈیفنس ایکسپینڈیچر کی بھی بات کرتا ہوں. یہ اب ہمیں اس کو کھولنا پڑے گا. اور ڈیفنس میں دو قسم کے ایکسپینڈیچر، ایک کامبیٹ ایکسپینڈیچر کہہ لیں، ایک نان کامبیٹ کہہ لیں. کامبیٹ ایکسپینڈیچر پہ ہم بات نہیں کرتے چونکہ میری مہارت نہیں ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ ایسا ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر ہے جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اگر لاہور سے پشاور جائیں، جی ٹی روڈ کے اوپر ہر 40 کلومیٹر پہ ایک کنٹونمنٹ ہے. یہ کنٹونمنٹ انگریزوں نے بنائے تھے جب افغانستان کا جنگ، تین جنگ ہوئی افغانستان کی، اور رشیا جس میں زار تھا، بادشاہت تھی، اس سے وہاں سے خطرہ تھا کہ وہ حملہ کرے گا. اب تو ماسکو تک ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں. یہ بند کریں نا سارے، کیوں رکھے ہوئے؟ اسی طرح کوسٹ گارڈ ہے، کسی تاریخی وجہ سے کوسٹ گارڈ آرمی کے انڈر ہے. تو نیوی نے شور مچایا کہ سمندر تو ہمارا قلعہ ہے، ہمیں ہینڈ اوور کریں. تو بجائے اس کے کہ کوسٹ گارڈ نیوی کو دیں، انہوں نے ایک اور ادارہ بنا دیا میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے نام سے. اب دو ادارے ایک ہی کام کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ گنجائش ہے نان کامبیٹ ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں کمی کرنے کی. اچھا، میں کیوں اس پہ زور دے رہا ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ میرا گھر کا خرچہ ہے کچھ اور آمدنی کم ہے، اور آمدنی بڑھنے کی کوئی اگر امید نہیں ہے تو میں خرچہ ہی کم کروں گا نا. ہمارے یہاں خرچہ کبھی کم کرنے کی بات نہیں ہوتی. جب بجٹ میں کٹ لگتا ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کم لگتا ہے، بجلی گھر نہیں بنتے ہیں، سڑک نہیں بنتی ہے، اسکول نہیں بنتے، ڈسپنسری نہیں بنتا ہے. لیکن یہ جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، سول اینڈ ملٹری، اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ڈیفنس ایکسپینڈیچر اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اس لیے کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو خسارہ ہے اس کی وجہ سے معیشت بیٹھ رہی ہے، بلکہ بیٹھ چکی ہے. اس وقت ہم وینٹیلیٹر پہ ہے. جس دن ہمیں قرضے ملنے بند ہو جائے گی، یہ معیشت بینک کرپٹ ہو جائے گی، ہم گزارا نہیں کر سکتے. جنگ جو ہے وہ قومی نغمے گا کے نہیں جیتی جا سکتی. جنگ کے لیے آپ کو ٹینکس چاہیے، وار شپس چاہیے، آرمرڈ کارز چاہیے، فائٹر پلینز چاہیے. یہ سب پیٹرول پہ چلتے ہیں. پیٹرول ڈالر سے آتا ہے، ڈالر ایکسپورٹ سے آتا ہے، ایکسپورٹ کارخانے کریٹ کریں گے. جہاں کارخانے بند ہو جائیں گے تو ڈالر نہیں آئیں گے. ڈالر نہیں آئیں گے تو ہم پیٹرول امپورٹ نہیں کر سکتے. ہماری ٹینکس اور ہوائی جہاز اور فائٹر پلینز اور یہ ساری چیزیں اپنے سائلوز میں رہ جائے گی، ہم جنگ نہیں لڑ پائیں گے. تو جنگ لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ معیشت مضبوط ہو. گورنمنٹ پالیسیز کچھ بھی ہوں، ان کا عوام پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ ضروری ہے. اپنی رائے اور اپنے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے بہت بہت شکریہ.